नमस्कार दोस्तों। तो आज 27 जुलाई को आपको राधा कृष्ण कृष्ण अर्जुन गाथा में क्या कुछ देखने को मिलेगा, आज इस पे हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग इसलिए भी होने वाला है क्योंकि दुर्योधन पांचाल प्रवेश करने वाले हैं आज के एपिसोड में, और आते ही बलराम की चुनौती स्वीकार कर लेते हैं गदा युद्ध की। तो पांचों पांडवों में इस बात को लेकर मतभेद रहती है कि हमें पांचाल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वहीं युधिष्ठिर का ये कहना होता है कि हमें अपनी माता की बात मानकर नहीं जाना चाहिए। दूसरी ओर ये दिखाया जाता है कि राधा जपती रहती है, उसी समय श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कहो राधा। तो राधा कहती है कि नहीं, मैं तो श्री राम की याद कर रही थी। तो श्री कृष्ण कहते हैं एक ही बात है। श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा हमारे रास्ते बिल्कुल अलग होने वाले हैं लेकिन हमारी मंजिल एक ही रहेगी। दूसरी तरफ पांचाल में राजाओं के प्रवेश के लिए बहुत ही सारे इंतजाम किए जाते हैं। वहीं द्रौपदी के मन में संदेह रहता है कि मुझे इन सब में किसी में भी प्रेम नहीं दिखता, सारे क्षत्रिय राजाओं में सिर्फ अभिमान और अहंकार दिखता है। जिस पर शिखंडनी ये कहती है कि तुम्हें इस संदर्भ पे श्री कृष्ण से परामर्श लेना चाहिए। दूसरी तरफ हस्तिना के युवराज दुर्योधन का आगमन होता है, जिस पर सारे के सारे पांचाल के लोग खुश हो जाते हैं। और दुर्योधन आते ही देखते हैं कि बलराम की शक्तियों का प्रदर्शन हो रहा रहता है, तो वो बहुत ही प्रभावित होते हैं और गदा युद्ध के लिए बलराम को चुनौती भी दे देते हैं। दूसरी तरफ श्री कृष्ण और कर्ण के बीच बात होती है, जिस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपको जानता हूँ और आप एक बहुत ही बड़े योद्धा हैं, आपको आपके धर्म से नहीं आपके कर्म से जाना जाता है। जिसको सुनकर कर्ण बहुत ही प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे मेरे कर्म से जाना गया ना कि मेरे धर्म से। श्री कृष्ण कहते हैं एक योद्धा को उनके कर्म से ही जाना जाता है। आप जरूर धर्म से सूत पुत्र हैं पर आपका कर्म क्षत्रियों वाला है। जिस बात को सुनकर कर्ण बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और पूछते हैं आप कौन हैं। जिस पर श्री कृष्ण कहते हैं मैं वासुदेव श्री कृष्ण हूँ। ये बात सुनकर कर्ण बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि एक क्षत्रिय ने उनकी इतनी तारीफ की। तो दोस्तों इसी के बाद शो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये अपडेट काफ़ी पसंद आया होगा। ऐसे रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।